तो आज इस हॉस्टल से संभवत कक्षा 12 के विद्यार्थी विदाई ले रहे होंगे, है ना। कक्षा 12 के विद्यार्थी जो अधिकतम तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चामू के विद्यार्थी है, थोड़े बहुत दूसरे निजी विद्यालयों से हो सकते हैं, और नीचे विराजमान ये छोटे मोटे बच्चे, बियाराम जी का पोता अभी भी ढोलक बजा रहा है। बेटा मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुम अपनी ढोलक नहीं छोड़ेगा। ये समस्त बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर मंच पर स्थान दिया और यहाँ मेरे मुंह से 2 शब्द इन बच्चों के लिए बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का आभार। बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और जो ये बहुत शानदार केसरिया साफे बांध करके कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, पहली बात तो ये है बेटा कि जैसे अपन एक तो सिलेबस पढ़ते हैं और एक करिकुलम पढ़ते हैं, ये जानकारी शायद आपको होगी। एक सिलेबस होता है, एक करिकुलम होता है। एनसीईआरटी करिकुलम जारी करती है और वो करिकुलम हमें केवल किताब की शिक्षा नहीं देता है, बहुत कुछ दूसरी शिक्षाएं देते हैं, जैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, प्रेरणाएं कहीं से कोई न कोई बनती है और वो प्रेरणा हम में साकार रूप लेकर के एक व्यक्तित्व खड़ा करती है। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी को जो कि अब स्कूली शिक्षा से ऊपर उठ करके आप कॉलेज या विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, तो आप सिलेबस के साथ में करिकुलम को हमेशा साथ लेकर चलिए। करिकुलम आपका व्यक्तित्व निर्मित करेगा और उस व्यक्तित्व के आधार पर समाज के अंदर आपकी पहचान बनेगी। जैसे कि हम आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व है विशेष जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, जो कि शायद ही इस धरती के ऊपर 3/4 जो जमीन है उस जमीन के अंदर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जिसके अंदर हिंदुस्तान जितनी विविधता हो, और ऐसी विविधता यानी कि हर तरह की विविधता, विविधता का मतलब यहाँ पर बहुत व्यापक है, हर टाइप की विविधता, और उस विविधताओं के अंदर इतने बड़े विशाल देश को संविधान देना कोई आसान चीज नहीं थी। इन्होंने अपने मस्तिष्क से उस हिंदुस्तान की समस्त विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी किसी भी अधिकार से वंचित न रखते हुए संविधान का निर्माण किया। तो ऐसे व्यक्तित्व तो हम सपना भी नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की कोशिश हम जरूर करें। दूसरी बात आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे परम मित्र लुम्बाराम जी ने कहा फोन की बात की, बहुत बड़ी बीमारी बन गई है आजकल, और इस फोन के कारण चलते चलते एक अच्छा सा विराम अपना बड़ा कष्टकारी बन जाता है। तो आपका फोन, जैसे हम स्कूल के माध्यम से भी आपको बार बार निर्देश देते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, इनका अगर आप सही यूज करो तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, और गलत यूज करेंगे तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो आप फोन को केवल अपने पाठ्यक्रम को उजागर करने के लिए या पाठ्यक्रम की वस्तुएं सीखने के लिए इसको यूज करें। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा सर पर है, इसलिए आप आज यहाँ से, जैसे स्कूल से तो हमने आपको लगभग 25 तारीख को ही फ्री कर दिया कि अब आप घर पे अध्ययन कीजिए, और आज आप हॉस्टल से भी फ्री हो रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र को मेन बिंदु में रखते हुए आप अन्य सभी प्रश्न पत्रों का, अब जो आपके पास टाइम बचा है जितना थोड़ा सा, उस टाइम को आप प्रश्न पत्र के स्तर के हिसाब से डिवाइड कर लें और वो टाइम को उस प्रश्न पत्र को दे करके तैयारी करें, ताकि आप जो मार्कशीट लेंगे उस मार्कशीट के अंदर आपको बहुत अच्छी अपनी स्थिति देखने को मिले। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको इतनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अधिकतम अंक लेकर के जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, इस हॉस्टल का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का, अपने परिवेश का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सभी का, आपकी वो मार्कशीट जो है, वो अंक जो मार्कशीट में होंगे वो शो करेंगे कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं।